चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर रायपुर से ही है। राहुल की सभा में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। किसानों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। 27 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। वहीं मुलाकात नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 30 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल की सभा में प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसानों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 27 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। मुलाकात नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। 30 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भूजेंद्र हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। भूजेंद्र, राहुल की सभा में प्रदर्शन की चेतावनी दी है किसानों ने, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बता दूं कि नवा रायपुर में 30 दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान, और वो राहुल गांधी के दौरे को लेकर उनसे मुलाकात करने की बात कही। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पत्र लिखा था, साथ ही सरकार के तीन बड़े मंत्रियों को भी पत्र लिखा था, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और डॉक्टर सी डहरिया को पत्र भेजा था। उस पत्र में उन्होंने अवगत कराया कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात कराई जाए और उनकी मांगों को लेकर उनसे बातचीत की जाए। उनका डेलीगेशन जो है 10 लोगों की डेलीगेशन टीम ने उनसे मुलाकात करने की बात कही है। मैं निश्चित तौर पर इसको लेकर किसानों ने पहले से ही पत्र लिखा था। साथ ही ये भी बता दूं कि मुख्य सचिव और रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को भी उन्होंने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी की मुलाकात करा दे, अन्यथा वो सड़क पर बैठ जाएंगे, नए रायपुर की सड़क में धरने पर बैठ जाएंगे। तो बड़ी बात कही उन्होंने कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर उनका प्रदर्शन सड़क में बैठकर उनका प्रदर्शन भी हो सकता है अगर उनकी मुलाकात राहुल गांधी से नहीं होगी तो। पूनम जी बिल्कुल भूजेंद्र, साथ ही जिस प्रकार से किसान लगातार जो है धरने पर बैठे हुए, अब क्या लगता है आगे किसानों का क्या रुख रहने वाला है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, और खास तौर से अब राहुल गांधी का दौरा है और ऐसे में राहुल की सभा में प्रदर्शन करने की भी चेतावनी किसानों की तरफ से दी गई है। जी निश्चित तौर पर पूनम, किसानों की मांग को लेकर लगातार वो डटे हुए हैं। अब उनका उनकी मांग अगर पूरी नहीं होती, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने उनसे बातचीत की है और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा, सरकार के द्वारा आकलन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि किनकी कितनी जमीन गई है, तो इन सारा रिपोर्ट तैयार करने का आदेश रविंद्र चौबे ने दे तो दिया है, लेकिन किसान अभी भी आश्वस्त नहीं। जब तक उनको आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो धरना स्थल से हटेंगे नहीं। नया रायपुर में एनआरडीए भवन के पास में उन्होंने 30 दिनों से भी ज्यादा समय होगा धरने पर बैठे और अभी भी वो धरना उनका लगातार जारी है। उनका कहना यह साफ कर यह है कि ये उनके जमीनों पर नया रायपुर विकसित किया गया तो उनको अभी तक सही मुआवजे की राशि नहीं मिली, उनको विस्थापित नहीं किया गया। उनकी जो मांग है वो मांगों को लेकर अभी भी डटे रहेंगे और ये मांगे अगर पूरी हुई तो उनका उग्र आंदोलन रहेगा। उनके साथ पूरे छत्तीसगढ़ के किसान संगठन भी साथ पे आ रहे हैं, तो बड़ा प्रदर्शन हो सकता है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पूरे किसान संगठन इस किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। जी भूजेंद्र बिल्कुल, आप बने रही हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल की सभा में प्रदर्शन की चेतावनी यहां पर किसानों ने दी है। लगातार 30 दिन से किसान धरने पर बैठे हुए हैं और अब राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे हैं, और अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो प्रदर्शन की चेतावनी भी किसानों की तरफ से दी गई है।